मोनेटाइज होने वाला है अब क्या कहते मेरा जीना लागता इन बिना तुरंत स्टार बन गई जब हमें ऑर्डर है बिना करते यो तो पहले ही गल करा के पहला। हेलो जी रामनम जी सारे ने तो स्वागत है आपका अपने को नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में कर दूँ स्टार्ट बहुत जो कि बहुत दिन में स्टार्ट होया है। चलो खैर छोड़ो नो ये चलता रहे अगर कदे बना दिया कदे ना बना दिया जब तक हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही चलता रहेगा गाइज। बाकी बहुत जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है। अब तो ईव थी तो कदे का हो जाता अगर मैं जब पेपर में कई दिन व्लॉग मैंने नहीं गिरा था अगर मैं जब व्लॉग डालती रहती डेली तो कदे का मेरा मोनेटाइज हो जाता। लेकिन अब फिर होने ये फिर हो जाएगा मोनेटाइज आप सब की दया थे। तो ईशाना तो मिलवा दूँ मैं ईशाना आ रही है स्कूल में है और शाम के बज रहे हैं 3:30। ईशाना आती मैं रोटी दे दी स्कूल में आई थी 2 बजे के आसपास आई थी इनाम खाया था बोले मम्मी अभी रोटी खाऊंगी नहीं मैं बाद में रोटी खाऊंगी। चलो मैं ईशाना तो मिलवा दूँ। हमारी ईशाना क्या बना रही ईशाना तो ईशाना के दादा ने दी थी इसकी प्लाई सी छोटी छोटी तो ईशाना लेकर आई थी और इस तरह खेलने लग रही आप के कन लाग रहे हो नु डाठा मार कर किने कर का काम समार लिया। अच्छा नु डाठा मार कर और लुगाई बन गए ईशाना क्या कन लाग रही किने ले रखी थी छोटी तो ये कन लाग रहे घर का काम कुछ तो दिशु तो और मिलवा दूं मैं अपने। दिशु क्या कर रहे हो बेटा परांठा चलो बना के लेके आओ ठीक है। तो दिशु देखने लग रही है ये देख लो कार्टून से देख कर है मेरे। क्या बेटा ये कार्टून है कार्टून है हाँ। बढ़िया लग है हाँ। अच्छे तो देख लो सारा दिन ये देख के जा रही है दिशु बताओ 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 मैं डाल दू परांठा। आज मैंने एक लोटा दूध का रखा था निखड़ू दूध का तो ईशाने पापा ने बोले थे आज मेरी छुट्टी है तो अपना दूध पूरा रख दिया मैंने 3-4 बार चाय पीनी लेकिन आज एक बार भी नहीं पी इन्हें चाय। परोंठे बना कर रख दिए थे मगर बच्चे आते मांगे तो परोंठे ये भी न गर्म कर कर दे दूँ मैं बच्चा थी। तो यहाँ मैंने चाय बननी रख दी है ईशाने के पापा की और यहाँ हो रहा गर्म परोंठा मतलब मस्त लगा पति चाय और दही के साथ आलू के परोंठे गजब लगा अगर। और ईशाना लस्सी के साथ खाया करा परोंठा तो मैं ईशाना ने दे दूँ हूँ ले बेटा ले ले बेटा जल्दी खा ले गिरा मत दिए बाबू। तो यार देखो और बना दूँ मैं गरम कर दूँ परोंठा मैंने मेरा परोंठा गरम कराया जब इन बच्चे की माच रही है लड़ाई इसने कुछ पसंद है इसने कुछ पसंद है तो इन दोनों की लड़ाई माच रही है। यहाँ ना इतनी शरारती है सारा दिन की देखा है या स्कूल में आया पाचा और यानू कहा मम्मी सारा दिन की ईशाना देखा और देखने लग रही है इतनी शरारती है मारे और आप क्या कहते मेरा जीना लगता है इन बिना देख लो लड़ाई करवानी इनकी देख लो कौन सी देखा सारा दिन की बता दीशु देख सारा दिन किया देख कर देख इतनी जो दीशु इतनी शरारती है मतलब अगर ईशाना उसकी पसंद का टीवी चला भी लेवे ना तो अनोखा गया कि इसने मेरी पसंद का क्यों चलाया इसका यो मेरा पसंद क्यों आया तो इसने मतलब हर बात पर रोना ही रोना या अनोखा मैं टीटी पो देखूंगी कौन सा टीटी पो कौन सा वो कौन है ये टीटी पो चल तेरे पापा टीटू पो होता है मिलवा के लाओ मेरी चाय कौन सी है आपकी चाय वा गिलास में रखी गिलास में चाय थोड़ी है तो पागल के मना है काला करेगी काला पसंद करेगी। अच्छा इतनी चाय पीगा काला हो जाओ मैं एक गिलास पीऊंगी रे मेरा देखो ना मैं तो फिर कती काली हो जाएंगी। हमारी जामन कभी कोर लाग गया है नो के डाकवा की डाला बांध रहे हो अरे सिर में गिरदाना पड़ेगा। अच्छा बाल शैंपू तो धोए तेल ला रखा है बच्चा मेरे रेता पड़ गया फिर नहाना पड़ेगा। अच्छा फिर सिर धोना पड़ेगा नाड़ा खेता में घर है मतलब खेता की साइड घर है तो ये नु कह मेरे बाल में गर्दा पड़ जाएगा तो मेरा फैशन बिगड़ जाएगा जा तेनु कह मैं तो यही बांध देना पड़ेगा। मेरी भी चाय आ गई है तो यहाँ मेरी चाय आ गई और परोंठा आ गया है और इन पूरा मेरी चाय आ गया है आपकी तो थोड़ी है ना बहुत ही काली हो जाओगी। तो जी हम दोनों का चाय पानी हो गया है चाय पानी नहीं चाय आलू का परांठा हो गया चाय परांठा चाय परांठा हो गया है। तो आप सब तो एक खुशखबरी शेयर करनी थी वाकई है हमारी दीशु पहला रोना लग रही पहले इसने चुप करा लो क्या हो गया दीशु बात बाबू क्या बात मैंने बता क्यों टीवी ना दे क्या ना देखने देती टीवी परांठा भी नहीं खाओ मत खा तो परांठा ठीक है।
तो एक खुशखबरी के थी, इसके पापा ने ले लिया गोदी, रोन लग रही पर लेने चुप करा दू हूँ। खुशखबरी के थी, खुशखबरी थी कि हमारी वीडियो होगी है वायरल, वायरल हो गई है इनकी इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का कड्डू भगवान कसम वायरल हुई है। देखो चिंटू जा के नाम है, किस नाम था बताइयो, चिंटू 5000 या नाम मेरे ख्याल से चेंज कर दिया आपने, या वही है चिंटू 5000 का नाम था, इंस्टा आईडी है और उसमें है वो कौन सा गाना है उसके ऊपर इनकी 4.3 मिलियन व्यूज आ गए, जो कि सोचने वाली बात है। मेरी पतो आए नहीं, मेरी पतो नु है 3.5 लाख तक तो आ गई है, एक एक वीडियो पे 1000 में भी आ गई, 1 लाख तक भी आ गई है, लेकिन मेरी मिलियन में नहीं आई। और इनके सीधे 1000 में नहीं, छोटो मिलियन में व्यूज आए हैं। कौन सी हवा ठंडी ठंडी, हाँ एक वो है इस गाना पे, ठंडी ठंडी हवाए हमको, मेरा नहीं सा कुछ गाना है, तो उस पर 4.3 मिलियन व्यूज आए हैं, जो कि इनकी वीडियो वायरल हो गई है। तो ये रातों रात स्टार बन गए हैं, मन ने पीछे छोड़ दिया। अरे एक बात और बतानी है, एक बात है, पर स्टार तो इसे बनी, मेरा क्यों होया, मतलब मेरे तो रोज के 200-500 नो भी बच गए हैं फॉलोअर्स, अरे इनके बेरा की है, इनके ना मतलब वह वीडियो ना गिरी थी नू बध्या करते, मतलब 10 दिन में 2 बध गई, मैं 4 महीना मतलब उतने थे घटे भी थे, तो है ना मिलियन में व्यूज आया पाछा, तो मतलब इनके सही बढ़ गए थे, मतलब यू लगा ले 2000 क्रॉस कर गए थे ना, 2000 क्रॉस ना करे, 1998 है वो उड़े स्टॉप होगी, जब कोई भी मतलब ये वीडियो उठा ना एकदम उठा है, फिर जित रुक जाए ना फिर उड़े रुक जाए, उस पर एक आधा व्यूज आता रहे फिर, तो इनके जब 1998 हो गए थे, तो मतलब ये 3 दिन हो गए वहाँ वीडियो स्टॉप हो रही है, तो इनके पूरे 2000 नहीं हो रहे, या बहुत दुख की बात हो रही है। नौका ये मैं रोज पूछू माँ कितने हो गए आपके, तो नो कहेंगे बेरा ने 2000 ना हो करे, 2 फॉलोवर्स की कमी है, तो करवा दो इनके 2000 करवा दो, कोई बात नहीं, ये भी स्टार बन जाएंगे। और मेरे फॉलोवर्स कितने हो रहे बेरा है? मेरे 41600, हाँ 600 होगी, ठीक है गाइस कुछ काम कर ला, ये भी काम कर रहे हैं, और ये बन गया रातों रात स्टार, जामुन का कोर आ गया, सही को, हाँ एक बार नहीं कमेंट आ रहा था मेरा इंस्टाग्राम पर कि जामुन का पेड़ गर्म नहीं होना चाहिए, तो किसी ने बेरा हो तो बता दियो भाई, ये क्यों कर पाड़ा इन बताओ, ये जामुन की नो छोटी जा है, और इसके दादा तो कति नहीं पाड़न दे, नाम पाड़ा क्यों वहाँ कह कितने नहीं भूत होते, यूँ कहा मतलब अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता, फलदार वृक्ष गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने तो ये लगा रखा है, ये हम क्या करा, ये बताओ क्यों कर पाड़ा इसमें। यह बात सुनकर मैंने फिर YouTube पर भी सर्च मारा, तो उन्होंने बोला तो था कि घर में वृक्ष नहीं होना चाहिए फलदार, यूँ नहीं बताया मतलब क्यों नहीं होना चाहिए, पर ये तो क्या कर, गौरी शंकर ने बोला था, हाँ गौरी शंकर ने जो कृष्ण भगवान के वे हैं गौरी गोपाल, उन्होंने बताया था कि फलदार वृक्ष घर में नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हमें आड़ रहा बिना करते ये तो पहले ही लगा रहा कि पहले आड़ आर मशीन होया करते और ये टिटोली रहा करते, ये तो बाद में आए आड़, तो ये फिर दोबारा तो अपना काम स्टार्ट करने लगे हैं, तो मतलब इन घर में रह कर कुछ ना कुछ करते रहना सारा दिन, काम 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 काम, तो ई मन ने और इन चाय पानी पी ली, मैं बच्चे ने पढ़ाऊंगी और 4 बज गए और फिर हो जाएगा काम का टाइम। आज का व्लॉग मारा ही कर दूँ दी एंड, तो फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय एंड टेक केयर।